गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज कोई ऐसी जगह नहीं लेके जा रहा है जहां आपको बहुत ज़्यादा टापियां और शापियां माननी पड़े। एक ऑक्शन में आया हुआ हूं और यहां पे ऐसी गाड़ियां हैं जो ऑक्शन होने जा रही हैं, इनके प्राइसिंग भी टैग भी लग चुके हैं और अभी थोड़ी सी देर में ऑक्शन शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कुमारों के, ये 2015 है, 15,500 रुपये की है ये, और ये इसका इंजन है, काफी क्लीन नीट। ये साइड तो आपको दिखा ही चुका हूँ कि यार ये साइड इसकी डैमेज है, बस ये एक साइड लगी हुई है और जो दूसरी साइड है, काफ़ी लोग आए हुए, आज सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन ये शाम में स्टार्ट हो जाता है ऑक्शन। गाइज ये है वो कुमारो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2015 है ये और ये इसकी कंडीशन है। इंटीरियर इस तरह का है कुछ, इसका एयरबैग, यस एयरबैग खुला हुआ है और नहीं, ये मर्सिडीज है 2013 और इसकी कीमत है 25,500। इसकी कंडीशन ओवरऑल ये है, ऑब्वियसली इसका फ्रंट लगा हुआ है बैडली डैमेज एंड ओवरऑल इसका ये है कि एयरबैग पॉपअप नहीं हुआ हुआ और कंडीशन इंटीरियर बहुत ही क्लीन है, बहुत ही क्लीन है यार, बहुत साफ रखी हुई है ये। आई एम श्योर ये अभी इसमें बहुत जान बाकी है ये आराम से। तो भाई मुझे मिली है 2018 रेंज और इस जीप, इसकी प्राइस 29,500 आ रही है इसमें और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है यार, बहुत ही बेहतर कंडीशन है इसकी। मैं इसकी ओवरऑल आपको दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल इसकी कंडीशन कैसी है। मुझे तो लगता है कि ये परफेक्ट कंडीशन है इसकी, इसका कुछ इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम नॉट श्योर। राइट साइड से डैमेज है यार, मैन ये मेरे को इतनी मुश्किलों से नज़र आई है ये, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं तो सोच रहा था ये इतनी क्लीन गाड़ी कैसे, जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं जो अपनी गाड़ियाँ देखने, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुनिया नज़र आ रही होगी। ये सारे ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है अभी, ये ओवरऑल कंडीशन सबकी गाड़ियों की लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद उसके बिट में ये लोग बिट में हिस्सा लेंगे और देन पार्टिसिपेट करने के बाद जिसकी भी बिट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली कार उसकी हो जाएगी। फाइनली एक मिली है कार जिसकी कीमत अराउंड 34,500 चैलेंजर, इट्स 2018 और इसकी कंडीशन कुछ ओवरऑल ऐसी है। पीछे से ऑब्वियसली लगी हुई है और आगे से भी इसका ये डैमेज है, ये चेक कर सकते हैं, आई गेस ये गया पूरा और इसका आई एम श्योर के बैग भी पॉपअप हुआ हुआ होगा ये बैग, अदरवाइज काफ़ी बेहतर हालत में है ये गाड़ी। अंदर से दिखा दूँ आपको, ये ऑब्वियसली मैनुअल गाड़ी है, नहीं मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है चैलेंजर। सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी ये भी है कि क्रूज़ है ये शिवले की, ये तकरीबन 12,500 रुपए की, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 10,000-12,000 रुपए की भी गाड़ी मिल सकती है, तो ये आप देख सकते हैं ये क्रूज़ देखें, ये शिवले की है और ये सिर्फ 12,500 रुपए की है। आई एम श्योर इससे भी चीप गाड़ियाँ मिल सकती हैं हमें यहाँ पर और मैं आपको इसकी ओवरऑल कंडीशन भी दिखा देता हूँ कि इसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। हाँ फ्रंट इसका थोड़ा सा लगा हुआ है जो कि मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही कम डैमेज है, ये इजीली रिपेयर हो जाएगी आई एम श्योर। मैं इसका बस ये चेक कर सकते हैं कि आप, मिनी कूपर है 21,500 रुपए की और इस प्लस वैट और इसकी कंडीशन, ये 2016 है और इसकी कंडीशन काफ़ी क्लीन है, ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ पेंट शेंट हुआ हुआ है लेकिन आई एम नॉट श्योर क्या है। लेकिन ये इसका थोड़ा सा फ्रंट लगा हुआ है, आई मीन बहुत मामूली सा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका कोई एयर बैग नहीं खुला हुआ, ओवरऑल बेहतर कंडीशन में है। तो भाई मुझे मिली है 2018 रेंज और इस जीप, इसकी प्राइस 29,500 आ रही है इसमें और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है यार, बहुत ही बेहतर कंडीशन है इसकी। मैं इसकी ओवरऑल आपको दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल इसकी कंडीशन कैसी है। मुझे तो लगता है कि ये परफेक्ट कंडीशन है इसकी, इसका कुछ इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम नॉट श्योर। राइट साइड से डैमेज है यार, मैन ये मेरे को इतनी मुश्किलों से नज़र आई है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं तो सोच रहा था ये इतनी क्लीन गाड़ी कैसे।
ये अंदर से ऐसी है भाई, अंदर से इसके हालात तो बिल्कुल ही साफ़ हैं। बस ये राइट साइड लगी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, थोड़ी बहुत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। चेक करें, ये रेंज रोवर 2017 है और 49,500 की है। और ये है, ये व्यू इसका यहाँ से है, और इसको मैं पीछे से दिखाता हूँ और आगे से भी दिखाता हूँ इसको कि ये इसके हालात कैसे हैं। काफ़ी बेहतर हालत में लग रही है ये, सिर्फ एक राइट साइड पे ही इसका ये डैमेज है जिसकी वजह से ये काफ़ी प्राइस है इसका। और पीछे सनसेट होता हुआ, बहुत ही खूबसूरत सी लाइट पड़ती हुई यहाँ पे। मुझे अभी होंडा एकॉर्ड नज़र आई है 2018, ये तकरीबन 33,000 AED की है, धर्म्स की। और इसका इंजन एक्सटीरियर बेहतर कंडीशन में है, ऑब्वियसली फ्रंट कहीं से लगा हुआ है, इसी वजह से इसका जो एयरबैग है वो पॉप हुआ हुआ है। बट ओवरऑल बहुत ही क्लीन कंडीशन है। आई कैन स्टिल स्मेल दिस कि ये इतनी ज़बरदस्त कंडीशन है इसकी। ये इसका लेफ्ट साइड लगी हुई है, ये पूरा लगा हुआ है, डैमेज ये है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी लोकेशन शेयर कर सकूँ आप लोगों से, मैं उसमें लोकेशन डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कि आप इजीली यहाँ तक आ सकें और अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकें। ये बहुत बड़ा गैराज है और ईज़िली आपको यहाँ पर कोई भी अपनी पसंदीदा और विद योर रेंज, जो आपकी रेंज हो वो आप ले सकते हैं इससे।